गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई डियर फ्रेंड्स दिस इज दी थर्ड वीडियो ऑन दिस चैप्टर द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू माई टीचिंग मेथड यू ऑल नो दैट इज माइक्रो टीचिंग सो आई टीच लाइन बाई लाइन एंड आई ट्राई टू गिव यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन सो दैट योर टीचिंग मे बी रियल टीचिंग आपको आपकी पढ़ाई पूरी तरह आपके पल्ले पड़े आपको समझ में आ जाए आपका प्रिपरेशन ठीक से हो जाए रिवीजन आपका सही तरह से हो जाए तो यही हमारा उद्देश्य है और फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है मैंने इसको तीन वीडियो में बनाने का प्रयास किया दो वीडियो आपके सामने था और ये तीसरा वीडियो आज आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सो तो मेरे दोस्तों आप इसको सुनिए ध्यान से और कहीं कोई दिक्कत हो कठिनाई हो तो यू कैन पुट योर डिमांड योर एडवाइस इन द कॉमेंट बॉक्स वेयर आई ऑलवेज वेलकम दैट तो जहाँ आपका कॉमेंट बॉक्स में आपका डिमांड आ जाएगा आपकी मर्जी की बात मुझे मालूम हो जाएगी आपका विचार मेरी समझ में आ जाएगा तो मैं उसके हिसाब से वीडियो फिर बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आपको पता ही है ये जो मेरा वीडियो है ये मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है आपको हेल्प हो जाए मेरी पढ़ाई का कुछ भी बेनिफिट आपको हो जाए तो ये परहित का कार्य मैंने किया तो आपको आपकी सेवा में ये तीसरा वीडियो थर्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अगर कुछ स्वार्थ है तो सिर्फ ये है कि आप सब्सक्रिप्शन बढ़ावें इसका आप लाइक बढ़ावें शेयर करें बस यही मेरा उद्देश्य नहीं तो और कुछ नहीं थैंक यू एट प्रेजेंट मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है केवल मेरा प्रयास है आपकी खुशी के लिए आपको हेल्प हो दैट इज माई एम सो ये ये पहला वीडियो और सेकंड वीडियो मिला करके लाइन नंबर टेन तक वी हैड कंप्लीटेड टुडे वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम लाइन नंबर वन 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 मीन्स एलेवन सो वी विल रन देयर ऑन लाइन नंबर एलेवेन सो फ्रॉम एलेवन लाइन नंबर वी विल स्टार्ट टुडे थैंक यू सो प्लीज बी रेडी विथ मी ओपन योर बुक टेक पेन एंड पेंसिल इन योर हैंड एंड देन बी इन द क्लास ऑफ टीचिंग ओके सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर टूडे आज हम लोग यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ये द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का चैप्टर और उसका लाइन नंबर इलेवन इलेवन द ग्रेटेस्ट कॉजेज ऑफ दिस हैव बीन द एवोल्यूशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज सच एज कलरा इतना साइंटिफिक हम लोग हो गए इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि वाटर बोर्न पानी जल जनित जो बीमारियां हैं जैसे कलड़ा वगैरह उनका नाश हो गया एंड द जनरल प्रोस्पेरिटी विच हैज़ नियरली बैनिस्ड अंडर फीडिंग एज ए काज ऑफ इल हेल्थ तो ये और आम आदमी का जनरल प्रॉस्पेरिटी हो गया आम आदमी खुशहाल हुआ ये बेनिशमेंट हो गया अंडर फीडिंग एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ कमज़ोर हेल्थ के कारण जो बीमारी होती है उसके तरफ हमारा ध्यान गया टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग मेडिकल साइंस आज भी एडवांस कर रहा है बढ़ रहा है बट इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू अप्लाई इट्स रिजल्ट इन प्रैक्टिस लेकिन इसके प्रैक्टिस को इसके इसके रिज़ल्ट को विज्ञान को साइंस को लागू करना लाइफ में प्रैक्टिस में ये बहुत कठिन काम है द वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम डायबिटीज़ आर डायबिटीज़ कैन अगेन रीगेन फुल हेल्थ एंड कीप इट इंडिफिनिटली बाय टू और थ्री डेली इंजेक्शंस डायबिटीज़ के जो सफरर हैं डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो अपने पूर्ण हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं दो तीन बार इंजेक्शन लेकर के डेली बट दे कैनॉट बी गॉट टू रियलाइज दिस फैक्ट लेकिन उनको इसकी नीड को समझा पाना मुश्किल होता है बिकॉज दे हैव नेवर बीन टॉट दैट देअर बॉडीज आर सिस्टम्स क्योंकि उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठी होती है कि तो उनका बॉडी एक सिस्टम है ओ बंग क्वाइट डिफिन लॉज जो कि नियम कानून से चलता है एंड ए डाइबिटिक विल नो मोर वर्क विदाउट इंसुलिन दैन ए मोटर कार विदाउट लुब्रिकेटिंग वॉल जैसे मोटर गाड़ी में मोटर hmm. कार में बिना लुब्रिकेटिंग वॉइल के वह काम नहीं करेगा उसी तरह इंसुलिन के बिना डायबिटीज का डायबिटिक का बॉडी काम नहीं करता है ए मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली हैड टू डील विथ टू वीमेन ब्रॉट इन डाइंग ऑफ डायबिटीज टू द हॉस्पिटल वेयर ही वर्कड हाल ही में लेखक का कोई दो दोस्त है जो लेडीज थी वो दोनों आई थी हॉस्पिटल में डायबिटिक थी और वो मर गई तो वो क्यों मरी उसकी कहानी यहाँ पर है बोथ हैड बीन ट्रीटेड बिफोर दोनों का इलाज पहले से हो रहा था एंड टॉट टू इंजेक्ट देम सेल्फ टाइस डेली और उनको सिखाया गया था दो बार इंजेक्शन लेने के लिए अपने आप इंजेक्शन ले लेती थी वो विथ इंसुलिन बट वन हैड ब्रोकन हर सिरिंज उसमें से एक ने अपना सिरिंज तोड़ लिया एंड हैड ट्रबल टू रिप्लेस इट एट और दोबारा उसको खरीदने का प्रयास नहीं किया वाइल द अदर हैड नेगलेक्टेड हर इंजेक्शंस फॉर टू डेज बिकॉज शी वॉज कमिंग टू हॉस्पिटल इन एनी केस फॉर अनदर कंप्लेंट और उसमें से दूसरी ने दो दिन तक उसको उसका यूज नहीं किया क्योंकि हॉस्पिटल में उनको किसी और शिकायत के कारण आना था एटीट्यूड्स लाइक दिस आर सो कॉमन दैट द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन मेड नो अप्रिसिएबल डिफरेंस टू द मोर्टैलिटी इन इंग्लैंड फ्रॉम डायबिटीज़ सो डायबिटीज से मौत में कोई कमी नहीं आई क्योंकि लोगों का ये स्वभाव उनके निग्लेक्ट करने के चरित्र को हाईलाइट करता है वो कंटिन्यूटी खत्म हो गया इसके लिए वो इंसुलिन का काम समाप्त हो गया इंसुलिन से उनको वो बेनिफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था इट हैज़ सेव्ड ए फ्यू इंटेलिजेंट पीपल कुछ इंटेलिजेंट लोगों को इससे लाभ हुआ है बट दैट इज़ ऑल इतना ही है मतलब फुलिश आदमी लेजी आदमी जो डिसकन्टीन्यू कर देता है प्रैक्टिस को वो बेनिफिट नहीं ले सकता है इसका तो साइंस क्या है उसमें कोई इमोशन कोई रिलीजन नहीं है उसमें केवल और केवल फैक्ट है प्रोसेस है ये नेचर है ये लॉ है तो उसमें अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो आप नहीं चलने वाले हो आपका भविष्य अच्छा नहीं है तो फैक्ट को रियलाइज करना ये कितना कठिन है तो इसीलिए साइंटिफिक एटीच्यूड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है इस लेख में से हट के कि साइंस का एटीच्यूड आपको ये साइंस से ज़्यादा कठिन है साइंस पढ़ना दूसरी बात होती है साइंस भी पढ़ते हैं लोग ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और वो ब्रह्म बाबा के जाकर पूजा करते हैं बताशा चढ़ाते हैं सौ रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं उनको पूजा करते हैं कि भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए तो क्या हुआ है साइंटिफिक एटीट्यूड हुआ नहीं हुआ तो साइंटिफिक एटीट्यूड होना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होना यह है कि रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट रियलाइजेशन रियलाइजेशन ऑफ आवर फिजिकल मेकअप ये फिजिकल मेकअप जो है स्ट्रक्चर हमारा है जो जो भीतर का रूल है लॉ है उसको तो पकड़ना पड़ेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा इतना स्ट्रिक्ट अगर हो पाए आदमी तो समझिए कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड हुआ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ मतलब स्ट्रिक्ट हंड्रेड परसेंट डिसिप्लिनरी ये सब कुछ होना है तब जा कर के अब माना जाएगा यू आर हैविंग द साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लाइन नंबर थर्टीन ये थर्टीन लाइन नंबर इन ए डिफिनिट क्योर फॉर कैंसर इज डिजॉल्व इज डिस्कवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल बी ए सिंपलर और सेफर अफेयर देन दैट ऑफ डायबिटीज अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कैंसर का कैंसर की कोई दवा निकट भविष्य में आती है तो जाहिर है कि वह डायबिटीज की दवा से कम कठिन नहीं होगी उसका प्रैक्टिस करना इफ सो इट विल नॉट हैव ए मच इफेक्ट ऑन द मोर्टैलिटी फॉर सेवरल जनरेशंस अगर इतना कठिन होगा तो लोगों का जो नेचर है उसको यूज करने का लोगों का जो स्वभाव होता है तो उस, उसमें मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आने वाली है खास क्योंकि लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे नहीं लोगों को आसान मेडिसिन चाहिए जो खाना आसान हो जो उसको प्रैक्टिस करना ईजी हो इन सच ए केस एनी गिविन परसन कैन नो डाउट फ्लैटर हिमसेल्फ ऑन बिलोंगिंग टू द इंटेलिजेंट माइनॉरिटी हूस सो बीच में कुछ प्रचार आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया फिर इसको कंटिन्यू करते हैं इफ सो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द मोर्टैलिटी फॉर सेवरल जेनरेशंस ये बहुत सारे कई जेनरेशन तक इसका मृत्यु दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा मृत्यु दर में सुधार नहीं होगी इन सच ए केस एनी गिन पर्सन कैन डू कैन नो डाउट फ्लैटर हिमसेल्फ बिलोंगिंग टू द इंटेलिजेंट माइनॉरिटी हु विल बी सेव्ड तो ये क्या होगा कि जो आम आदमी है इनके एनी गिवेन पर्सन किसी खास आदमी को जो टारगेट होगा हमारा मान लीजिए उदाहरण देकर देते हैं किसी व्यक्ति का उसको कैंसर है उसका इलाज करना है तो वो तभी संभव हो सकता है जब वो इंटेलिजेंट माइनॉरिटी से आता हो जो इंटेलिजेंट लोग होते क्या होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं कम होते हैं हमेशा आम आदमी की संख्या ज़्यादा होती है तो माइनॉरिटी हू विल बी सेव्ड अगर वो माइनॉरिटी से है जो जो है इंटेलिजेंस है तो वो, वो उस, उसी को बेनिफिट होगा कैंसर के के मेडिसिन से नहीं तो नहीं बट इफ़ वॉट साइंस अराइव्स एट इज नॉट ए क्योर बट ए मीन्स ऑफ प्रिवेंशन द केस इज इवेंट लेस होपफुल देखिए अगर दवा नहीं आती है उसका प्रिवेंसन का जो बचाव होता है बचाव का तरीका अगर कुछ खोजा जाता है तो, तो और कठिन होगा उसमें और उम्मीद कम होगी एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट इन दिस रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एक्शन इज ऑलमोस्ट यूजलेस अनुभव से साबित हुआ है कि व्यक्ति का अनुभव एक्शन इंडिविजुअल एक्शन जो होता है वो बेकार होता है इस मामले में जैसे ही आदमी इमोशनल होकर के सोचता है या एथिकल होकर के सोचता है तो वो साइंस की बात से पीछे भागता है बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कहते हुए कि साइंस ये है साइंस वो है लेकिन साइंस की आलोचना करने के पहले सोचना चाहिए कि साइंस क्या है साइंस इज नॉट बैड थिंग साइंस इज़ अ रियल नॉलेज सही माने में ज्ञान अगर है तो साइंस ही है तो साइंस कोई ज्ञान का विरोधी नहीं है और सब्जेक्ट का साइंस तो वो सुप्रीम है उसको आप सीधे फैक्ट को स्वीकार करने की तरकीब अगर आप में आ गई इफ यू आर डेयरिंग सो मच दैट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट देन यू आर हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन ए कंट्री वेयर टाइफाइड फीवर इज कॉमन इट इज हार्ड ऑलवेज टू ड्रिंक बियर और वाइन तो ये टाइफाइड फीवर जहाँ होता है वहाँ बियर वाइन पीना कठिन होता है और पर्सनली टू सी दैट वंस वाटर इज बॉइल्ड और पानी बॉयल करके पीना होता है एंड एनुअल इन और हमेशा उसमें वैक्सीनेशन होता है वार्षिक इन्वॉल्व से डेज माइल्ड इलनेस वो उसमें वो लगभग एक दिन का फीवर हो जाता है कम से कम तो ये जो जो वैक्सीनेशन होता है उसके बाद एक दिन कब एक दिन बुखार लग जाती है लोगों को तो ये इतना तो समझना पड़ेगा तब टाइफाइड से मुक्ति है टाइफाइड इन्फेक्शन कैन ओनली बी डेल्ट विथ एटेक्टली बाय पब्लिक कंट्रोल ऑफ द वाटर सप्लाई तो टाइफाइड फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है वाटर सप्लाई को कंट्रोल करके वाटर को ही वहाँ सेनेटाइज किया जाए विच इनवॉल्व्स नो इफर्ट बाई इंडिविजुअल सिटीजन्स जिसमें इंडिविजुअल का कोई योगदान नहीं होगा वो सीधे पब्लिक वाटर सप्लाई होगा जहाँ से वैसा जल मिलेगा जिसमें टाइफाइड मुक्ति का उपाय होगा तो ऐसे साधन किए जाएँ तब तो आम आदमी को फायदा होगा तो ये साइंस के लिए बड़ा कठिन काम है डिप्थेरिया स्मॉल पॉक्स मिजल्स एंड अदर एयर बॉर्न डिजीजेज कुड बी स्टैम्प्ड आउट स्टैम्प्ड आउट मतलब समाप्त करना बाई ए पब्लिक एफर्ट तो ये ऐसी बीमारियों को जो नाम ऊपर लिया डिप्थेरिया स्मॉल पॉक्स मिजल्स एंड अदर एयर बॉर्न डिजीजेज कुड बी स्टैम्प्ड आउट बाई ए पब्लिक एफर्ट पब्लिक एफर्ट के द्वारा वी कैन कंट्रोल दम बट सच एन एफर्ट वुड इन्वॉल्व द इंडिविजुअल असिस्टेंस लेकिन ऐसे हर किसी प्रयास में व्यक्ति क्या सहयोग चाहिए एंड सेल्फ सेक्रीफाइस सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ सिख पर्सनस एंड देयर रिलेटिव रिलेटिव और सिख पर्सन जो हैं उनका सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब आत्मत्याग आत्मत्याग किस चीज़ का अपनी भावनाओं का अपनी हैबिट का अपनी रिलीजियस फेथ का ये सबको त्याग करना पड़ेगा आपको एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से कोऑपरेट भी करना होगा इट इज़ इम्पॉसिबल अनटिल पीपुल रियलाइज दैट माइक्रोब्स आर एवरी बिट एज रियल एज फॉरेनर्स जैसे कोई एनिमल कोई बाहरी भी कोई विदेशी आदमी हमारा है तो उसी तरह से माइक्रोब्स भी होते हैं उनका भी अस्तित्व है और वो भी आदमी को मार सकते हैं जैसे फॉरेनर मार सकता है किसी को विदेशी दुश्मन उस तरह से माइक्रोब्स भी आदमी की जान लेता है तो माइक्रोब्स और फॉरेनर्स जिस फॉरेनर्स से डील करने में सरकार लग जाती है युद्ध के साथ युद्ध के द्वारा उस तरह से माइक्रोब्स को भी स्वीकार करना करना पड़ेगा तो उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है अदरवाइज दे आर ऑल्सो इक्वली पावरफुल टू किल ह्यूमन बींग्स दे आई विल ओनली अराइव एट ए सेन ह्यू रिगार्डिंग डिजीज एज द रिजल्ट ऑफ जनरल एजुकेशन ऑन साइंटिफिक लाइन्ज तो साइंटिफिक लाइन पर अगर रिजल्ट एजुकेशन दिया जाए तभी तो जा करके ऐसा बिहेवियर इंसानों के अंदर कायम किया जा सकता है द स्टडी ऑफ मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक बेसिस क्रिएट्स न्यूरोटिक्स रैदर दैन साइंटिस्ट इस प्रकार से मेडिसिन पढ़ाया जाए अगर और साइंटिफिक स्टडी नहीं हो तो आदमी पागल टाइप के आदमी पैदा हो जाता है समाज में उसे वैज्ञानिक नहीं कर सकते साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए साइंटिफिक आउटलुक जब आदमी का सोचने का तरीका वैज्ञानिक होगा तो जीवन शैली उच्च स्तर की अपने आप हो जाएगी और जीवन का जो स्पैन है लाइफ स्पैन वो बढ़ जाएगा अपने आप लेकिन तब तक ये नहीं होगा जब तक साइंस का स्टडी ठीक से इंसान नहीं करेगा नहीं तो सीधे मेडिसिन खा करके इलाज करता रहेगा तो वो कहा जाता है न्यूरोटिक्स जो जानते नहीं हैं प्रैक्टिस करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इंटू द मॉडल इक्वेवैलेंट ऑफ वार्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन बचाव के लिए जो मेडिसिन होता है कुड बी मेड इंटू द मॉडल इक्वेलेंट ऑफ वार्ड उनको जैसे वार्ड के समय में हम लोग युद्ध स्तर पर बनाते हैं मेडिसिन उसी तरह से बनाया जाना चाहिए इट इज़ ऑलरेडी सो फॉर ए फ्यू पीपल कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है ए कलीग ऑफ माइंड वॉज रिसेंटली ट्रांसलेटिंग ए फ्रेंच पेपर ऑन कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी जो कैंसर के इलाज के लिए होता है उसमें मेरे एक दोस्त ने मेरे एक साथी ने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया फ्रेंच पेपर था वो वेन ही केम अपॉन द फ्रेज टू पार आई उसको एक फ्रेज मिला उस पर लिखा हुआ टू पार आई लिखा था एनिमी इन रेफरेंस टू अ डिसीज फार्मासकोलॉजिस्ट आई सपोज ही सेड दैट मीन्स दैट ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन आई अनिसिव्ड हिम द एनिमी इन दिस केस हैड बिन द जर्मन नेशन देखिए जी उदाहरण है कि कैसे मर गया एक रोगी जर्मन नेशन इन दैट के ही हैड बिन द जर्मन नेशन द एनिमी एनिमी कहाँ से आया था तो जर्मनी से आया था और उसका विरोधी देश का आदमी मर गया बट ही एटीट्यूड वाज टिपिकल ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट टुडे लेकिन ये देश देश के विषय में, विषय में जो दुश्मनी की बात होती है वो साइंस के क्षेत्र में भी फैक्चुअल स्थिति ऐसी ऐसी ही है इसमें भी जो बीमारियां होती हैं वो एनिमी ही है, ही है मनुष्य का तो आदमी का जो एनिमी है वो एनिमी, बीमारी है उसके साथ भी युद्ध की, सा, की तरह ही लड़ना होगा फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड हमें सिर्फ रक्त और मांस के खिलाफ ही युद्ध नहीं करना है बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज प्रिंसिपैलिटीज मतलब स्टेट्स अगेंस्ट पावर्स अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड दुनिया में जो अंधेरों के सम्राट हैं अंधेरा फैलाते हैं समाज में लोग ऐसे लोगों से भी हमें लड़ना होगा सेंट पॉल जो महान व्यक्ति थे थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज लार्जली रूल्ड बाई डेम्स सेंट पॉल महान व्यक्ति थे वो बोले कि दुनिया में अधिक दिनों तक शासन किसका रहता है तो ये डिस्टर्बिंग uh, एलिमेंट का क्या मतलब वी नो सेंट पॉल थॉट दैट द वर्ल्ड वाज लार्जली रूल्ड बाय डेमान्स डेमान मतलब राक्षस दुनिया में ज़्यादातर शासन करने वाले लोग शासन जो हुआ है दुनिया में वो राक्षसों का रहा है तो ये राक्षस क्या है ये रूलर ऑफ द डार्कनेस डार्क वर्ल्ड का रूलर है तो राक्षस क्या है बीमारी दुख दरिद्रता गरीबी विदेशी शक्तियाँ जैसे हम लोग समझते हैं एक देश का दुश्मन दूसरा देश उस तरह से एक बीमारी दूसरी बीमारी गरीबी अशिक्षा ये डिस्क्रिमिनेशन ये सब क्या है सब ये रूलर्स ऑफ द डार्क वर्ल्ड तो वी नो बेटर टुडे एंड वी डिमांड द जनरल एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इन इट्स एबसेंस ह्यूमन एफर्ट इज़ सो लार्जली डिवोटेड टू कंफ्लिक्स विद फेलो मैन इन विच वन इफ नॉट बोथ ऑफ द डिस्पूटेंट्स मस्ट इन सफर देखिए जी अगर ऐसी वैज्ञानिक समझदारी नहीं होगी तो इंसान एक इंसान को अपना दुश्मन समझता रहेगा जबकि इंसान का दुश्मन इंसान नहीं इंसान का दुश्मन तो वो बीमारी वो गरीबी वो महामारी वो अकाल वो अशिक्षा अनएम्प्लॉयमेंट ये सब बीमारी है इसके खिलाफ़ इंसान को लड़ना होगा न कि इस देश को उस देश से लड़ना होगा जो होता यह भी है तो साइंस इन चीज़ों की बात करता है साइंटिफिक एटीट्यूड अगर आप में है तो आप इन बातों को स्वीकार करेंगे कि किस तरह से आपके समाज में आपके जीवन में ये अंधेरे के जो स्तंभ हैं डार्कनेस के जो पिलर्स हैं द पिलर्स ऑफ डार्कनेस ये सब गरीबी महामारी अत्याचार धोखाधड़ी ये सब जो मनुष्य के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ये सब कहा जाता है पिलर्स ऑफ डार्कनेस तो ये वी नो बेटर टुडे एंड वी डिमांड द जनरल एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू सो राइटर इज सेइंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें स्वीकार करना पड़ेगा अगर जीवन को सुनहला बनाना है तो इन इट्स एबसेंस ह्यूमन एफर्ट इज सो लार्जली डिवोटेड टू कन्फ्लिक्ट अगर ऐसा ऐसी सोच नहीं होगी तो मनुष्य अपने आप में लड़ता रह जाता है फेलोमैन अपने अपने ही लोगों के साथ इन विच वन इफ नॉट बोथ ऑफ द डिस्पूटेंट्स मस्ट इन सफ़र अगर दोनों सफ़र नहीं करता है तो एक तो सफ़र करता ही है इट इज़ ऑनली इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर दैट द एवरेज मैन डिवोर्ट्स ए मोमेंट्स थॉट टू हिज रियल एनिमीज कभी कभी विपत्ति के समय में ही इंसान अपने असली दुश्मन को पहचान पाता है जैसे आज कोरोना है तो कोरोना के खिलाफ सारे लोग समझ रहे हैं कि इंसान कितना छोटा है आज रियल एनिमी क्या है तो कोरोना वायरस द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड तो ये ये रूलर कौन है आज के वर्ल्ड का रूलर कौन है तो ये कोरोना कोविड नाइन्टीन द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड द फ्रॉम बैक्टीरिया टू साइक्लोन्स ये बैक्टीरिया ये जीवाणु विषाणु उनसे बढ़कर के साइक्लोन ये चक्रवात तो ये बवंडर हवाओं का बवंडर तूफान ये सब क्या है ये रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया में अंधेरा कायम करने वाले तत्व हैं अनटिल ह्यूमैनिटी एडॉप्ट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दोज एनिमीज विल नॉट बी कंकर्ड जब तक हमारा सोच हमारी सोच साइंटिफिक नहीं होगी अनलिस अनटिल वी आर नॉट हैविंग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दीज एनिमीज विल नेवर लीव हस तो ये मेरे दोस्तों मैंने चैप्टर आपको फिनिश किया ये क्वेश्चन आंसर आप इसको देखिए मैंने जैसा पढ़ाया है आप सारा क्वेश्चन आंसर अकेले करवाने में सक्षम होंगे नेम द इम्पोर्टेंट कॉज इज विच हेल्प सिविलाइज मैन टू लिव लॉन्गर दैन द अनसिविलाइज मैन सिविलाइज्ड मैन एडॉप्टेड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड सो देअर लाइफ स्टाइल वॉज साइंटिफिक सो दे वे आर एबल टू रियलाइज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ सो दे लिव्ड ए लॉन्गर लाइफ दैन द अनसिविलाइज पीपल वाई डज द अथर कंपेयर ए ह्यूमन बॉडी टू ए सिस्टम Human body just like a system, and all the organs of this system must run well, otherwise, it will become sick and it will not function well. It, it, is compare, it, is compared, it is compared with the case of insulin, where insulin is needed on a fixed duration. If not done that, then the system will be a failure. Why has the discovery of insulin not made any appreciable difference to the mortality in England? इंग्लैंड में इंसुलिन के इस्तेमाल से बहुत सारा सुधार नहीं हुआ क्यों इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया लाइफ स्टाइल का पार्ट नहीं बताया बनाया लोगों ने इसको स्वीकार करने में दिक्कत की क्योंकि रोज़ दो बार इंसुलिन लेना मुश्किल था ये लोगों को प्रैक्टिस में कठिनाई हुई इस फैक्ट से लोग भागे इसलिए ऐसा हुआ नेम द इन्फेक्शन विच कैन इफेक्टिवली बी डेल्ट विद द बाई पब्लिक कंट्रोल बाई वाटर सप्लाई ये कलरा जो वाटर डिजीज है वाटर से जो होता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है वाटर सप्लाई करके पब्लिक के द्वारा मैंने गवर्नमेंट के द्वारा एक कम्युनिटी लेवल पर करके कंट्रोल कर सकते हो नीम एनी थ्री एयर बॉर्न डिजीजे ये आपको उसमें दिया है यू कैन फाइंड आउट दैट डिजीज मिजल्स ये मिजल्स हुआ स्मॉल पॉक्स हुआ डिपथेरिया हुआ सब कुछ है वाइट डज द अथर डिमांड द जनरल एडोप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स अस एबल टू रियलाइज द फैक्ट ऑफ लाइफ जीवन का जो फैक्ट है उसको स्वीकार करने की ताकत देता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी हम लोगों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को ही स्वीकार करना चाहिए यही अच्छा है यही सही है एक्सप्लेन द फ्रेज द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड लाइक अनएम्प्लायमेंट लाइक डिजीज लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ लाइक कॉन्फ्लिक्स और व्हाट एवर आर पुटिंग थ्रेट्स before the life of human beings they are called darkness of the world after that you will see that as far as grammatical part is concerned i had made um, i had answered all the questions the long answer question you will do otherwise i will also do before your examination i will uh, make the list of important questions and then i will solve that yeah, at first I, we are teaching uh, ch chapters only चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं सारा चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो आपको फिर से क्वेश्चन आंसर करेंगे सारा चैप्टर का ऐसे आपका जो क्वेश्चन आंसर जो ऐसे एक लाइन में होने वाला है वो मैं करते चल रहा हूँ जैसे आप इसको देखोगे तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा सब किया हुआ है यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वर्क ये ये सब है तो आपको मैं ये कर दूंगा और जैसे कि ये आपको ये बनाना है फ्रेज तो फ्रेज के लिए अलग से की वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ बहुत जल्दी इसमें इस फ्रेज के अलावा भी बहुत सारा फ्रेज का लिस्ट मिलेगा आपको ये भी रहेगा तो कर देंगे जैसे ये टाइम लगता है इसमें इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे बड़ा वीडियो हो जाएगा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ़ के बावजूद सो फार एज जहाँ तक टू लेट ऑफ़ उनको जाने परमिशन देना इन प्रैक्टिस प्रैक्टिस में होना इन प्लेस ऑफ़ इसके बदले टू पास बगल से निकल जाना या गुजर जाना इनफेरियर टू नीचस समझना इन एनी केस किसी भी हालत में देन के बनिस्पत जजमेंट निर्णय देना ठीक है फॉर ऑल दैट दैट इज ऑल फॉर ऑल दैट सब मिलाकर के दैट इज ऑल यही इसका मेन है एज ए होल सब मिलाकर पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण इन प्रोसेसन ऑफ इस, इस, इसके होते हुए बीट हर प्रयास ठीक है ग्रामर में ये कविता आपको बना देना है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कर देना है तो कविता वांटेड सिंपल पास्ट हो गया टू नो व्हाट हर हस्बैंड हैड डन लास्ट वीक महेश वाज अनेबल टू टेल हिज टीचर वेयर ही हैड गॉट द मनी ये माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी दैट माय फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट व्हाट कंट्रीज आई हैड विजिटेड the doctor told me that he had gone to goa for a holiday. My father lost his new shoes shortly after he had bought them. ठीक है हॉट हेड लगा के भी थ्री लगाइए पास्ट परफेक्ट हो गया और सिंपल पास्ट में भी टू देना है आपको तो ये मैंने किया आपको ये नीचे वाला है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे साथ साथ करते हैं कुछ प्रैक्टिस आपका हो इफ द वेदर इज फाइन नगाज विल गो आउट इफ़ इट रेंस इन द इवनिंग द मैच विल बी स्टॉप्ड

आप इसको देखते रहिए कंटिन्यू करें सारा चैप्टर पहले फिनिश कर लेते हैं तब सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ही कंसेंट्रेट करेंगे और रोज़ एक एक वीडियो बनाएंगे जिस पर क्वेश्चन आंसर होगा इंपॉर्टेंट और आप मेरे इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं है कि एग्जाम में यू विल गेट मोर देन नाइन्टी मार्क्स इट्स माई गारंटी टू यू सो प्लीज़ कीप इट अप कीप इट भीविंग थैंक यू फॉर हिविंग हैव ए नाइस डे